Well, to be honest, we all have come back after so long to attend the Mumbai Achievers Award, and I think more than me excited, I'm elated, and I'm extremely humbled and grounded to be receiving an award today. I have no idea what it is, but I think that the fact that I am being honored is a gift of its own kind. So of course I'm happy, and it's called the Mumbai Achievers Award, and I think Mumbai is a city जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है, एंड आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट आई विल बी गेटिंग एन अवार्ड एंड द टाइटल एंड ऑल द स्पॉन्सर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर ऑल हियर टुगेदर. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अमैल्गमेशन ऑफ ऑल द इमोशंस एंड ऑल द ब्रांड्स कमिंग टुगेदर. यस, आई एम गेटिंग एन अवार्ड. आई डू नॉट नो व्हाट अवार्ड इट इज. आई थिंक वी जस्ट हैव टू वेट इट आउट एंड फिगर आउट व्हाट इट्स गोना बी. आई मीन, हाउ डू आई नो. थैंक यू, थैंक यू. अवार्ड फंक्शन है, बहुत मज़ा आने वाला है. आई एम तो ऑलवेज एक्साइटेड फॉर अवार्ड फंक्शंस. यू नो, यू गेट टू सी सो मेनी थिंग्स. यू नो, काफ़ी लोगों से मिलते हैं, मस्ती मजाक, बहुत मज़ा आने वाला है. रियली एक्साइटेड. जी, नॉमिनेटेड हूँ मैं शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में हूँ एक्ट्रेस के लिए, एंड लेट्स सी, आई होप कि मुझे मिल जाए. एंड यू नो, नॉमिनेशन में आना ही बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बाद आपको मिल जाए अवार्ड, सोने में सुहागा. Yeah, so my movie Sector Balakot is releasing next month, and I'm doing one woman-oriented film which is expected to go on floors on January. So yeah, and couple of music videos are out. Thank you. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. मुझे स्टाइल आइकन का अवार्ड मिल रहा है, और मुझे आज से पहले कभी स्टाइल के क्षेत्र में कोई ऐसा अवार्ड मिला नहीं था. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मेरी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जब अवार्ड्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और मेहनत करने का मन करता है. और जैसे स्टाइल आइकन का मिला तो मेरा और साइलिश बनने का मन कर रहा है. तो इसी तरह से मोटिवेट तो डेफिनेटली होता है इंसान जब अवार्ड्स मिलते हैं. ओके, सो आर यू फॉलोइंग बिग बॉस 15? हाँ, बिग बॉस तो ऑब्वियसली, जब कोई बिग बॉस के घर में जाते हैं ना, तो आप बिग बॉस से उसको निकाल नहीं पाते हो. मेरे अंदर बस चुका है बिग बॉस, तो मैं ऑब्वियसली अगर नहीं भी चाहूँगा तब भी फॉलो इंसान को करना ही पड़ता है.